ग्राम सभा अनुच्छेद 243 ए धारा 6 से 7 में पंचायती राज व्यवस्था की बुनियादी इकाई ग्राम सभा प्रावधान 73वें संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 243 क में प्रतिस्थापित ग्राम पंचायतों के अधीन प्रत्येक ग्राम आश्रित ग्राम में ग्राम सभा होगी। अधिसूचना राज्यपाल द्वारा खंड और जिला पंचायतों की सीमा में परिवर्तन की अधिसूचना राज्यपाल जारी करता है। सदस्य ग्राम सभा के सदस्य ग्राम पंचायत मतदाता सूची में नामित व्यक्ति होंगे। ग्राम में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति जो विधानसभा निर्वाचन नामावली में पंजीकृत किए जाने के लिए अर्ह है गणपूर्ति कोरम वह न्यूनतम जनसंख्या जिसकी उपस्थिति में ग्राम पंचायत के कार्य शुरू किया जा सके उसे गणपूर्ति कहते हैं। गणपूर्ति कोरम में कुल सदस्य संख्या 1/10 एक दशमांश है जिसमें से 1/3 एक तिहाई महिलाएं हैं। ग्राम सभा में गणपूर्ति का उत्तरदायित्व संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंचों एवं पंचों का होगा जिस अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा के किसी बैठक के लिए ग्राम सभा की सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक जिसमें 1/3 महिला सदस्य होने पर ही गणपूर्ति मानी जाएगी। सम्मेलन के लिए तिथि स्थान समय का निर्धारण ग्राम सभा के सम्मेलन की तारीख स्थान एवं समय निर्धारण करने का अधिकार सरपंच को होगा या सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच का होगा या दोनों की अनुपस्थिति में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा होगा। सम्मिलित अध्यक्षता सम्मेलन की अध्यक्षता सरपंच का होगा या यदि सरपंच अनुपस्थित हो तो उप सरपंच द्वारा अध्यक्षता होगी। दोनों की अनुपस्थिति में सरपंच उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा अपने बीच से अध्यक्ष चुनाव किया जाएगा। अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में ग्राम सभा के अध्यक्ष हमेशा ग्राम सभा के सदस्यों से ही चुने जाते हैं जो अनुसूचित जनजाति वर्ग का ही होगा किंतु वह कोई पंचायत पदाधिकारी सरपंच उप सरपंच पंच नहीं होगा। सम्मेलन प्रत्येक 3 माह में 1 बार 1 साल में 6 बार निम्न अनिवार्य सम्मेलन होगा 23 जनवरी 14 अप्रैल 20 अगस्त 2 अक्टूबर जो 5वां जून में सुझाई गई तिथि को 6वां नवंबर माह में सुझाई गई तिथि को। उपरोक्त 6 तिथियों में ग्राम सभा का सम्मेलन होना अनिवार्य है किंतु प्रत्येक वर्ष में 6 सम्मेलन आवश्यक है। इसके अलावा यदि ग्राम सभा के कुल सदस्य संख्या के 1/3 1/3 सदस्य ग्राम सभा के कुल सदस्य संख्या के 1/3 सदस्यों द्वारा लिखित की मांग की जाए तो 30 दिन के भीतर ग्राम सभा का सम्मेलन करना आवश्यक है। जनपद पंचायत जिला पंचायत या कलेक्टर द्वारा आदेश किए जाने पर 30 दिन के भीतर ग्राम सभा का सम्मेलन कराना आवश्यक है। बैठक सरपंच माह में कम से कम 1 बार ग्राम पंचायत की बैठक बुलाएगा। यदि सरपंच बैठक ना बुलाए तो सचिव सम्मेलन की सूचना जारी करेगा। यदि जनपद पंचायत का अध्यक्ष बैठक ना बुलाए तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी सम्मेलन की सूचना जारी करेगा। गणपूर्ति ना होने पर स्थगन यदि बैठक में
कोरम पूर्ति नहीं होती है तो अध्यक्ष द्वारा बैठक स्थगित किया जाता है एवं आगामी बैठक के लिए तिथि निर्धारित की जाती है। स्थगन के बाद ही बैठक या सम्मेलन में कोरम पूर्ति आवश्यक नहीं है। यदि इस बैठक में किसी नए विषय पर चर्चा नहीं की जा सकती है, इसके अलावा निम्न पांच विषयों पर भी चर्चा नहीं की जा सकती। वार्षिक कार्य योजना, दूसरा पहला वार्षिक कार्य योजना, दूसरा हितग्राहियों का चयन, तीसरा वार्षिक बजट, चौथा वार्षिक लेखा एवं सन परीक्षा प्रतिवेदन, पांचवा प्रशासनिक रिपोर्ट। ग्राम सभा की साधारण बैठक में ग्राम पंचायत का बजट पारित किया जाता है। गणपूर्ति न होने पर कार्यवाही, ग्राम सभा की लगातार तीन बैठकों में कोरम पूर्ति न होने पर संबंधित पंच एवं सरपंच के खिलाफ नोटिस जारी किया जाएगा तथा दो आगामी ग्राम सभा में कोरम पूर्ति का अवसर दिया जाएगा। फिर भी कोरम पूर्ति न होने पर पद से हटाने की कार्यवाही की जा सकेगी, लेकिन किसी भी अधिकारी द्वारा सरपंच के खिलाफ तब तक आदेश जारी नहीं किया जा सकता जब तक उसे सुनवाई का उचित अवसर न दिया जाएगा। वार्षिक सम्मेलन, वार्षिक सम्मेलन ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आयोजित किया जाता है। वित्तीय वर्ष समाप्त होने के कम 3 माह पूर्व आयोजित किया जाएगा, जिसमें निम्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। पहला, लेखाओं का वार्षिक विवरण। दूसरा, पूर्व वित्तीय वर्ष का प्रशासनिक रिपोर्ट। तीसरा, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तावित विकास एवं अन्य कार्य। चौथा, अंतिम सन परीक्षा और उसके संबंध में यदि चौथा अंतिम सन परीक्षा और उसके संबंध में दिए गए उत्तर। पांचवा, ग्राम पंचायत का वार्षिक बजट और अगले वित्तीय वर्ष के वार्षिक योजना। छठवा, पंचायतों के कार्यों का विवरण। सामाजिक और अंकेक्षण का कार्य ग्राम सभा द्वारा किया जाता है। पहला, सामाजिक और अंकेक्षण का कार्य ग्राम सभा द्वारा किया जाता है। दूसरा, वार्षिक आय व्यय ग्राम सभा की बैठकों में प्रस्तुत नहीं किया जाता है।